हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए छिंदवाड़ा से 16 खिलाड़ियों का हुआ चयन, दिल्ली में होगा आयोजन। चोर अब बाजारों को बना रहे निशाना, MLB स्कूल के आसपास की कई दुकानों में ताले टूटे, दुकानदारों ने कोतवाली में की शिकायत। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग परिवार के साथ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी, पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर परिवार से की बात। और स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा को टॉप पर लाने लगातार हो रहे प्रयास, निगम ब्रांड एम्बेसडर और कमिश्नर ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को स्वच्छता का दिलाया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले एक खुशखबरी, 31वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिला कराटे प्रमुख राजेश मालवी ने बताया कि मध्य प्रदेश टीम में छिंदवाड़ा जिले के 16 कराटे खिलाड़ियों का चयन किया गया। ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन द्वारा 21 से 30 जून को राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में लगभग 20 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। हाल ही में भोपाल में चयन प्रक्रिया में छिंदवाड़ा के 16 खिलाड़ियों का चयन प्रदेश की टीम के लिए किया गया, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता दिल्ली के लिए चयनित खिलाड़ियों में अंशिका व्यास, देवांशी मालवी, साक्षी गिरिया, निधि बारस्कर, स्वाति गिरिया, गीतांजलि कुमारी, विहान व्यास, कुशाग्र वर्मा, अक्षित गजबिये, अभय सक्सेना, वेद व्यास, शिवम माहौरे, अनिक चौरसिया, परमवीर सिंह रावत, आरव व्यास, अमोघ रत्नाकर आदि शामिल हैं। खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित होने पर कराटे संघ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, मुएथाई मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, संरक्षक सालोदकर जी, उपाध्यक्ष नंद किशोर पराडकर, श्रेया जैन, राजेश हिरकने, सुनीता मालवी एवं संघ के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। शहर में चोरी की वारदातें फिर बढ़ रही हैं। घरों के साथ साथ अब दुकानों को भी चोर निशाना बना रहे हैं। MLB स्कूल के आसपास लगने वाले बाजार की लगभग 5 से 7 दुकानों में चोरों ने चोरी की कोशिश की, जिनमें 2 दुकानों के ताले तोड़े गए और 3 से 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 पान की शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, फोटोकॉपी शॉप, 2 कपड़े की दुकानें और 2 तरबूज बेचने वालों की दुकानें शामिल हैं। इस मामले में दुकानदारों ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात दुकान में एक बच्चे के द्वारा यहाँ पे घूमा गया और वो पहले से निगरानी में था, उसके द्वारा 4 दुकानों का ताला तोड़ा गया है, जिसमें कि सभी दुकानों को जितने भी पैसे मिले वो चोरी करके ले गया। मेरा अनुरोध है कि प्रशासन से रात को गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे वारदात करने वाले जितने भी हैं, गिरोह जो चल रहे हैं, उनको पूरी तरह सख्ती से पेश, उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे में और वारदातें होती रहेगी, उसके पहले भी होती रही है। हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ 2 पैसे कमाते, पैसे गोल कर दिए हमने। आप लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल इनको सख्ती से पेश आए। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का। नाम आपका? कुमार गुनेरिया। जैसे दुकान आए यहाँ पे तो क्या बोलते हैं सर, पूरे ताले टूटे हुए पाए गए यहाँ पे और सामान जो है बिखरा हुआ पाया गया। कुछ चोरी हुआ, कुछ नुकसान हुआ? नहीं, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे पुलिस रात्रि गश्त के लिए यहाँ पे बढ़ाया जाए। विगत रात के समय मेरी दुकान में ताला तोड़ा गया है और लगभग ये दूसरी घटना है, दूसरी बार ताला तोड़ा गया है और ये ताला टंगा हुआ इस टाइप से तोड़ा गया, पिछले बार भी इसी टाइप से तोड़ा गया था और लगभग मार्केट में 4-5 जगह पे ऐसी घटना घटी हुई है कि
चोरी की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से यही मदद चाहता हूँ कि रात के समय में गश्त बढ़ाए और कृपया ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आपकी दुकान में कुछ नुकसान हुआ? नहीं, मेरी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी दुकान में लगभग दो ताले लगते हैं अंदर से और एक ताला बाहर से लगाता हूँ, तो बाहर वाला ताला टूटा गया, अंदर वाला ताला नहीं टूट पाया। आपका नाम? चंदन जैन। दुष्कर्म की पीड़िता एक नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ शहर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले का आरोपी केस वापस लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है और दबाव बना रहा है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ पिछले दिनों पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ रेप एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग और उनके परिवार का आरोप है कि आरोपी ने उनका जीना दूभर कर दिया है। जमानत पर छूटने पर उसने नाबालिग और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मामले को रफा दफा करने की बात कही, जिसके बाद नाबालिग और उसका परिवार शहर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गया। उनका कहना है कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम सुबह 10-11 बजे से बैठे हैं। आज सुबह 8-9 के बीच की बात है, मेरे मम्मी बकरी चराने चली गई थी, पापा मालिश करने चले गए थे और अल्ताफ अली और उसकी माँ ने मेरा घर सूना पाकर, मैं घर से बाहर निकली थी तो मेरे को उसने और उसकी माँ ने ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर खींच के लेके चले गए। एक साल पहले अल्ताफ ने मेरे साथ गलत काम बलात्कार किया था तो उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वापस ले और मैं मना करती हूँ, मैं नहीं लूँगी, तो बोलते जान से मारने की धमकी देते हैं और उनने ज़बरदस्ती उसने और उसकी माँ ने मेरे ज़बरदस्ती मिर्च पाउडर डाले थे और फिर मैं ज़बरदस्ती भाग गई वहाँ से। फिर मेरे मम्मी पापा आए तो मैंने बताई और हम पुलिस उसकी माँ ने मेरे पापा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी लिखाई थी, इसलिए हम थाना नहीं गए क्योंकि वो पुलिस वाले मेरे पापा को ज़बरदस्ती थाना में बिठा लेते हैं, इस वजह से हमने ये सब किया। आपका थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? कुंडीपुरा थाना। इस मामले में संज्ञान लेते हुए CSP प्रियंका पांडे ने तत्काल कोतवाली निरीक्षक के माध्यम से पीड़िता और उसके परिवार से चर्चा की। आज हमें सूचना प्राप्त हुई शाम टाइम पे कि एक पीड़ित बच्ची अपने माता पिता के साथ शहीद स्मारक पर बैठी हुई है और अपनी न्याय की मांग कर रही है। सूचना प्राप्त के पश्चात ही हमारे द्वारा TI कोतवाली को रवाना किया गया और उनके सहमति से वहाँ पे उनको कार्यालय में लाया गया। कार्यालय पर हम उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उनकी जो वर्तमान की शिकायत है उस पर वैधानिक कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है और पूर्व में भी इन जो पीड़िता हैं इनके द्वारा पूर्व में भी कथित आरोपी के विरुद्ध 376 शिकायतें कराई जा चुकी है और इस बार भी उनका कहना है कि सेम ही आरोपी ने उनके विरुद्ध पुनः से छेड़खानी जैसे अपराध कार्य किए हैं, तो अपन वैधानिक कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर चुके हैं। खबरों में एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहे सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32,
मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बंगाल से छिंदवाड़ा आकर ज्वेलरी का काम करने वाले कारीगरों को गुरुवार को डीएसपी अमन मिश्रा ने तलब किया, जिससे उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा सके। दरअसल पिछले दिनों इमामबाड़ा क्षेत्र में बिना जीएसटी के कार्य करने वाले स्वर्ण कारीगरों के कारखानों पर छापा मारा गया था, जिसमें बिना जीएसटी एवं अन्य पेपर्स के काम करना पाया गया। इसके बाद से बंगाली कारीगरों का कार्य प्रभावित हुआ। बाद में स्वर्णकार समाज ने इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा था कि सभी बंगाली कारीगरों का काम रुकने से आभूषण निर्माण प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद अमन मिश्रा ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए कारीगरों को अपने कार्यालय बुलाया था। वो अजीम मंडल के यहाँ उसके बाद से जो है सराफा में स्वर्णकार समाज द्वारा अभी मीटिंग रखे गए थे और अभी ये हाल है कि डाई आई जो काटते हैं मतलब सामान बनाने के लिए वो भी बंद करवा दिए, बॉल बनाना बंद कर दिए। और मतलब कुछ बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि बंगालियों को काम करने नहीं देंगे, भगा देंगे, इस टाइप की मतलब बात चल रही है। जबकि अपन ऐसा मतलब गलत काम तो किसी ने करे नहीं, इसमें से एक ने अगर गलत किए उसके लोग पूरे लोग तो जिम्मेदार है नहीं, है ना भाई। अगर एक आदमी अगर छिंदवाड़ा का जाके कहीं बाहर गड़बड़ करके आता है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, उसके लिए पूरे लोग तो जिम्मेदार नहीं है। आज हमें 30 साल हो गए छिंदवाड़ा में काम करते हुए, किसी के साथ भी हमने गलत करे या गलत काम करा या गलत किसी को सामान दिए तो बताए, है ना। तो इसी के ऊपर से चल रहा है, इसीलिए जो है डीएसपी साहब ने हमें बुलाया है। स्वर्णकार समाज द्वारा इनको जो भी ज्ञापन सौंपे गए हैं, हमें बुलावा आया था तो हम आए इनसे मिलने के लिए। अभी क्या बात होता है अभी देखते हैं। हमारा नाम बापी है, छोटी बाजार में हमारा शॉप है, कारखाना। चंदन गांव में रहने वाली एक महिला पिछले 2 साल से अपनी आंख के मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया है। ये है ललिता मालवी। इसका कहना है कि इनकी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या है और जब जब वो इसका इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर उन्हें 4-5 दिन के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद वापस घर भेज दिया जाता है। ऐसा करते करते 2 वर्ष बीत गए हैं। इस बीच उन्हें उनकी आंखों की बीमारी को लेकर डॉक्टरों द्वारा कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। उनके मुताबिक बीच में उनका मार्च में एक ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब तक नहीं हो पाया है। क्या हुआ आपको? ऑपरेशन करना मोतियाबिंद का। अच्छा। 2 साल से आया के मैं परेशान हो रही, आती है भर्ती होती 2-4 दिन रहे फिर जाओ, फिर कल आना परसों, अभी बोले सोमवार आना, बोले जाओ, बोले कल, बोले कि ऑपरेशन कल कर देंगे, बोले शुक्रवार को, फिर आज बोले डॉक्टर साहब कहीं मीटिंग में गए, बोले फिर शनिवार आएंगे। अब कोई बोलता है शनिवार कर देंगे, वो एक लाल सूट वाली मैडम कहती है कि जाओ बोले सोमवार को आना, बोले आना है तो आना, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो मत आना, बोले। कब से परेशान हो रहे हो?
दो साल हो गए मैं परेशान हो रही। अभी यहाँ कब से भर्ती है? यहाँ तो अभी कल आई हूँ मैं, इसके पहले मैं 4 बार चली गई भर्ती हो के। वजह बताया उन्हें ऑपरेशन नहीं करने की? कुछ आँखें में बोले थे नली चोक हो गई है, तो उसके लिए फिर वो नली का ऑपरेशन करा अभी मार्च में, 10 मार्च को इसका ऑपरेशन हुआ। तो बोलते कि अब सही हो गई, अब बोले ये लाल हो गई तो इसका कर देंगे। फिर कहते दोनों आँखें में बोल रहे इन्फेक्शन है, बोले तुम्हारी दोनों आँखें की झिल्ली कमज़ोर हो गई बोले, तो बोले अब 4-5 दिन बाद क्या ठीक हो जाएगी क्या झिल्ली, तो बोले सोमवार को आना बोले। क्या नाम है आपका? ललिता मालवी। कहाँ रहते हो? हम यहाँ चंदन गाँव फुकट नगर में रहते हैं, ठाकरे ढाना। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, तो पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर के वार्ड नंबर 42 गुलाबरा क्षेत्र में चल रहे नगर निगम पार्षद उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने बुधवार शाम कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजू स्वामी के समर्थन में वार्ड नंबर 42 में घर घर जाकर संपर्क किया और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने क्षेत्रवासियों से गुजारिश की कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनाने में सहयोग करें। राजू भी ये साथ में नहीं रह रहे हैं। Thank you.
नगर पालिक निगम सभाकक्ष में गुरुवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई व्यवस्था एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सेग्रीगेशन के लिए कहीं गए थे मुकेश चौके कहाँ कहाँ गए इसमें तो हमने कहा था करा के देख लो एक बार फिट करवा लो और फिर भले ही शाम को निकलवा रहे करवा के देख लो एक बार नहीं तो एन मौके में फिट नहीं होंगी फिर कहोगे स्क्रू नहीं मिल रहा कहीं ये नहीं मिल रहा है ये पॉइंट पढ़ लिया आपने मैंने प्रिंट रहे निकाल लिए पढ़ लिए सब यहाँ पे चलो नेक्स्ट और तो कोई स्वच्छ मालिक नहीं बोल रहा कल कितने बजे ट्रेनिंग उसकी चलो बता दें खुद से बता दें और हमको नोडल को बस देना है कि इनको इंस्पेक्टर्स को भी देना है इंजीनियर केवल आप ही दोनों का नाम अच्छा अच्छा इसमें वो कुछ वो थे पॉइंट जिसमें जैसे कोई नाली के निर्माण की बात किया हो या लेट जिसमें टाइम लग रहा हो खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का देखते रहे सिटी हलचल एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें बच्चों के लिए लाइब्रेरी केमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब मीडिया सेंटर म्यूजिक क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस इंडोर स्पोर्ट्स टू बिग ऑडिटोरियम कराटे ट्रेनिंग कल्चर एक्टिविटीज स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 CBSE affiliated Edify School Head Office Hyderabad अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेसिक सर्जरी डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज रेटिना का इलाज फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में गुरुवार को क्षेत्रीय महिलाओं ने बड़ी संख्या में सुहागले पूजन का आयोजन किया पति और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किए जाने वाले इस निर्जला व्रत में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है इस दौरान महिलाएं एकत्र होकर माता रानी का पूजन करती हैं साथ ही परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है एक दूसरे को उपहार भी दिए जाते हैं सुहागले का व्रत
पूरा होने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। जय माता दी। आज श्री शक्ति माता मंदिर में सुहागले का कार्यक्रम रखा गया, जो महिला मंडल द्वारा सार्वजनिक तौर से श्री शक्ति माता मंदिर में सुहागले कार्यक्रम किया जा रहा, जो पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। श्री शक्ति माता मंदिर में पूजन पाठ करके और भंडारा किया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत छिंदवाड़ा को प्रथम पायदान पर लाने के लिए नगर पालिक निगम की पूरी टीम के साथ कमिश्नर राहुल सिंह एवं सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन जनमानस को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर स्वच्छता का संकल्प दिला रहे हैं। गुरुवार को दीपक राज जैन ने बैडमिंटन संघ के साथ खिलाड़ियों को स्वच्छ एवं सुंदर छिंदवाड़ा बनाने का संकल्प दिलाकर सभी से नगर पालिक निगम को सहयोग करने की विनम्र अपील की है। मैं संकल्प लेता हूँ कि कभी भी धूम्रपान का अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू धूम्रपान का सेवन नहीं करूँगा। परिचित लोग भी धूम्रपान व अन्य तंबाकू उत्पादकों का सेवन नहीं करने के लिए अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को और पूरे छिंदवाड़ा वासियों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। नमस्कार। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता चैंपियन सभी के सामूहिक तत्वधान में आज छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया। भारत शासन के पहल पर मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन छिंदवाड़ा, विशेष रूप से हमारा नगर निगम जो काम कर रहा है वो अनुकरणीय है, सिर्फ मदद है आपके सहयोग की। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि कम प्लास्टिक का बहिष्कार करें और जो आपके घर में कचरा निकलता है वो नगर निगम की रास्ता ना देखें, आप स्वयं उसको एक जगह इकट्ठा करें और जैसे हमारी कचरा गाड़ी आती है उसमें डालें। स्वच्छता की जवाबदारी हम सबकी है, तभी हमारा छिंदवाड़ा विगत वर्ष अनुसार अच्छे पायदान पे आएगा। उस दिन शेष है, विशेष रूप से जैसा अभी हमने संकल्प लिया, स्वच्छता को अपनी आदत में बनाएं और ना तो गंदगी करें ना दूसरों को करने दें। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रिय छिंदवाड़ा को अच्छे पायदान पे लाने के लिए अपना सहयोग दें और लोगों को इसके लिए प्रेरणा दें कि हमारा छिंदवाड़ा पूरे भारत में नंबर वन बने। धन्यवाद दोस्तों। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए छिंदवाड़ा से 16 खिलाड़ियों का हुआ चयन, दिल्ली में होगा आयोजन।
चोर अब बाजारों को बना रहे निशाना। एमएलबी स्कूल के आसपास की कई दुकानों में ताले टूटे, दुकानदारों ने कोतवाली में की शिकायत। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग परिवार के साथ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी, पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर परिवार से की बात। और स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा को टॉप पर लाने लगातार हो रहे प्रयास, निगम ब्रांड एम्बेसडर और कमिश्नर ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को स्वच्छता का दिलाया संकल्प। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।